नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। ये जो वीडियो है ये उन एनजीओ के लिए है जो जिनके पास एफसीआरए हैं और जो एफसीआरए फंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एफसीआरए फंड के लिए अप्लाई करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत एग्जैक्ट नहीं मिल पाती। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि आप उसके बेस पे आप एफसीआरए के फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एफसीआरए जिनके पास है वो काफी इस वक्त महत्वपूर्ण एनजीओज हैं, क्योंकि अब गिन के संस्थाएं रह गई जिनके पास एफसीआरए। तो आप लोग जरूर इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए, हो सकता है उसमें से किसी एक स्कीम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर हो कि जो लगा सके और आप एक फॉरेन फंड पा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट हो सके। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इसके पहले मैंने एक वीडियो में छोटा सा मैंने दिया था गुप्ता फैमिली का, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसके अलावा भी अन्य चार पांच एनजीओ स्कीम्स हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है आपके काम की हो। जो पहला जो स्कीम है वो जापानी कंसुलेट की तरफ से है कि जो एनजीओस वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और इसका पूरा एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे इसमें क्या करना है या किस टाइप का ये इनका पूरा सिस्टम है, और उसको आप देखिए समझिए, हो सकता है ये आपके काम का हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट से बिलोंग करती है तो इसमें जरूर प्रोजेक्ट लगाइए। स्मॉल ग्रांट होता है लेकिन बहुत अच्छा ग्रांट होता है, इसमें आप लगा देंगे एक बार अगर आप आ जाते हैं तो शायद आगे के लिए आपका पूरा ट्रैक सही हो जाए। तो इसको आप देखिए, हो सकता है ये आपके काम का हो। जो ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की होंगी उनके लिए बहुत सुटेबल स्कीम है जापान गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें आपका इनका जो ऑफिस आपको हेड ऑफिस है ये कलकत्ता में है और ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक ह्यूमन नीड्स, टिपिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इंपार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रिएशन ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कहने का है कि नॉर्मली जो भी एनजीओस चलाती हैं, नॉर्मल जो प्रोग्राम चलाती है वो सारी चीज़ें, इवन ये क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी ये दे रहे हैं। तो इस पे आप लोग जाए तो लगा सकते हैं, इसमें मिनिमम 3 साल का एफसीआरओ होना चाहिए, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आप लोग को फुलफिल करना होगा। बाकी सारी चीज़ें इनकी ऑनलाइन है, यहाँ पे आप आएंगे इस पोर्टल पे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद अगर आप कोई दिक्कत आ रही है तो इनका पहले एप्लीकेशन फॉर्म, गाइडलाइन, FAQ पूरा डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्म है कैसे कैसे करना है। करने के बाद आप इनके यहाँ पे ये इनका एड्रेस है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द एप्लीकेशंस फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स एज पर द चेकलिस्ट मस्ट रीच द बिलो मेंशनड एड्रेस इन हार्ड कॉपी। यहाँ पे आपको ऑफलाइन भेजनी होगी, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरीके से एप्लीकेशन के बेस पे बनाते हुए आप यहाँ पे भेज सकते हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है ये 30 सितंबर है, तो आप लोगों से को अगर इसमें अप्लाई करना है तो काफ़ी जल्दी जल्दी काम करना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना इतना इजी नहीं है और आप इस पर आप लोग वर्क कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये अच्छा ठीक एक बार यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि अगर एक बार आपको सपोर्ट मिल गया तो ये आगे तक भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपके रिलेशंस इनके साथ डेवलप एक बार हो जाते हैं तो ये आगे तक सपोर्ट करते हैं। तो इसका आप यहाँ पे अप्लाई करिए, बाकी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी हो रही है एप्लीकेशन करते वक्त तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्कीम है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भी एफसीआरए एनजीओ के लिए है, यह है DWF फाउंडेशन की तरफ से है, ये इंडिया में भी वर्किंग करते हैं। इनका जैसे और भी एजेंसीज का होता है, हेल्थ से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड, एजुकेशन हुआ, एनवायरमेंट हुआ, इन सभी क्षेत्र में आपके आपके एनजीओ अगर काम कर रही है तो आप ये DWF में भी लगा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है इसमें लगाने का, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ ताकि आप इस पर प्रोजेक्ट लगा पाए। एफ सी आर ए एन जी ओज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकती हैं, DWF ग्रुप
यहाँ पे भी इनका सिस्टम बहुत इजी है। आप यहाँ पे भी इसी लिंक पे आए, यहाँ पे आप देखें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है। यहाँ आप नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी, जैसे एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है इनका, तो यहाँ पे पूरी चीज़ें दिख रही कि एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ से। इसके अकॉर्डिंगली ही आपको आगे प्रोसेस करना होगा। और ये बता रहे हैं कि दिसंबर 2015 मतलब 2015 टू दिसंबर 2022 ये फाउंडेशन अवार्डेड ग्रांट्स टोटलिंग ओवर पौंड में 1 मिलियन, तो इनके ग्रांट ठीक मिलता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ग्रांट गाइडलाइन पा जाएंगे, इसके बेस पे ही आपको एप्लीकेशन पूरा फिलअप करके सबमिट करना है। और इसको लोकेशंस मैं दिखा दे रहा हूँ, लोकेशंस में इनके ऑल ओवर इंडिया में, अरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया भी दिखेगा कि कहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से, बाकी और जैसे और जगह और एजेंसी में आप अप्लाई करते हैं उस तरीके से इसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन आपकी सारी चीज़ें क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रहे, सारी चीज़ें हैं आपके पास और उस एरिया में आप बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, ताकि आपको भी FCR अगर आपने करा रखा है तो आप लोगों को भी कहीं से ग्रांट मिले। सफल ऑर्गेनाइजेशन, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। उसके बाद से एक और स्कीम है गुप्ता एंड फैमिली का, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों, जो भाई मेरे नहीं देख पाए हूँ, वो उसको इसमें भी देख ले वो सारी चीजें का, इसको भी कैसे लगाना है इसका भी प्रोसेस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप इस वीडियो के आगे पार्ट में आप इन चीजों को देख लीजिए कि कैसे गुप्ता एंड फैमिली में, सॉरी गुप्ता फैमिली फाउंडेशन में आप अपने संस्था के लिए जो FCRA अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसा है कि पूरी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्रीज में करें, ये इंडिया में कर रहे हैं और करीब करीब सारे एरियाज में कर रहे हैं, जो भी कॉमन एरियाज होते हैं हमारे, एजुकेशन हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, हेल्थ प्रोग्राम हुआ, एनवायरमेंट हुआ, तो इसको आप देखिए। फिर एक FCRA फंड है गुप्ता फैमिली फाउंडेशन से, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका फर्स्ट 30 सितंबर तक लास्ट डेट है और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम July 1st अंटिल September 30। तो यहाँ पे आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियर लिखा हुआ है कि ये इंडिया के लिए बजट देते हैं और बजट का इन्होंने रेंज दिखा दिया है $3 लाख से लेके $30 लाख तक, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप ऑलमोस्ट वो सारे एरियाज, जैसे इन्वायरमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, वो सारे एरियाज आप इस पर कवर कर सकते हैं, तो इस पर भी अगर आप डिटेल जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मान लिया हमने यहाँ पे $3 लाख का मैंने किया और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपको पूरे कॉन्टैक्ट, एप्लीकेशन डेट वो सारी चीज़ें आपकी आने लगेंगी, ये प्रोग्राम कमीशन क्या है, क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपका, बहुत सारी चीज़ें ये पूछेंगे आपको। सारी चीज़ें को फिलअप करते हुए एक प्रपोजल टाइप का बना के आप इनको इसमें देंगे तो ये आपको कंसिडर करके फिर आपको इन्वाइट करेंगे। ईजी प्रोसेस है, बाकी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं, अगर आप FCRA ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सी चीज़ें बताने नहीं पड़ेगी आपको, आइडिया होगा कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है या कैसे प्रपोजल अप्लाई करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से निकला हुआ उन चीज़ों को आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप यहाँ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से जो संस्थाएं ये कंजर्वेशन मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और फूड और हेल्थ पे काम करती है, वो ये एक जो एजेंसी है इसको आप देख लीजिए, इनकी 2023 की गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फूड हेल्थ कंजर्वेशन के एरिया में काम कर रही है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं।
ये भी FCRA फंड है और इनके इनकी गाइडलाइन इन्होंने 2023 की ये गाइडलाइन है और टाइप ऑफ सपोर्ट्स इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि द फाउंडेशन सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड अप्लाइड रिसर्च दैट जनरेट लोकल एंड रीजनल सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ एडवांस लोकल लीडरशिप एंड प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ साइंसेज डेवलप द कैपेसिटी ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलिजन एड्रेस चैलेंजेस इन द फील्ड। तो आप किसी टाइप के जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं इनका बहुत क्लियर इन्होंने अपना दिखा दिया एरिया किस एरिया में ये काम करते हैं। इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, इन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको इनको कॉन्सेप्ट नोट देना है January 1st तक, ग्रांट राउंड 1st के लिए, ग्रांट राउंड 2nd के लिए July 1st तक। उसके बाद से ये आपको आपके कंसिडरेशन करने के बाद फिर आपसे प्रपोजल मांगेंगे, फिर प्रपोजल की डेडलाइन March 1st तक रहेगी, फिर ग्रांट अवार्ड होगा जून तक। इसमें आपको यहाँ पे आने पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है डेडलाइन ऑफ फॉर द कॉन्सेप्ट अप्लीकेशन, तो यहाँ पे सबमिट योर ऑनलाइन कॉन्सेप्ट अप्लीकेशन ऑन और बिफोर January 1st। तो इनका पूरा ये चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल करना है और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपके एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। मैं ये बात अवश्य बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या इनकेस आप लोग कोई दिक्कत हो रही है या आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि कैसे क्या क्या चीज है कि या किस टाइप का सपोर्ट मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और अदरवाइज सारी चीजें ओपन है, सारी गाइडलाइन ओपन है, सारे फॉर्मेट ओपन है, आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को बना सके तो। उसके बाद है ग्लोबल फंड फॉर वुमेन, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और जेंडर इक्विटी पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारी चीजें होती हैं, इस पे भी FCRA ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती हैं। इसके इसका भी जो डिटेल है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है। ये है ग्लोबल फंड फॉर वुमेन, अगर इसमें जनरली उन्हीं NGOs के लिए को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है या जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ महिलाओं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये पहले आपसे आपकी प्रोफाइल डिमांड करते हैं, उसके बाद से फिर वो आपको कॉन्टेक्ट करके करते हैं। इसमें सिस्टम ये है कि अगर इसमें आपको लगाना है, हाँ एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ FCRA NGOs के लिए है, इसमें आपको यहाँ पे आना होगा अप्लाई फॉर ग्रांट, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आवर एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे आपको एक अपनी सबमिट करनी पड़ेगी प्रोफाइल और ये आपको कनेक्ट करेंगे। जब वो पाएंगे कि हाँ आप उनके लायक हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे है कि जहाँ पे उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उनका अपना क्राइटेरिया है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियर तरीके से हैं, लेकिन नॉर्मली आपको आपको करना क्या है कि आप उनको अपनी प्रोफाइल भेजिए, सारी डिटेल्स भेजिए और उसके बाद से आप इस पर काम कर सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में काम कर रही है तो जरूर आप भी इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सपोर्ट चाहिए होती तो आप मेरे को बता सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें खुली हुई है, कोई ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, सारी चीज़ें ओपन है। आप बहुत आराम से इसकी गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप देख भी सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप गूगल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, तो उस तरीके से आप प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से आपकी संस्था को कुछ भी अगर फायदा हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और बेल आइकन बजा दबा दीजिए, तो जो भी नई मेरी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हो सकता है इसको शेयर भी करिए। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।